फतेह। अज मैं बहुत दिनों बाद सिंगू बॉर्डर से आई हाँ, बिकॉज मेरा ज़्यादातर टाइम जो टिकरी बॉर्डर से रहा है, क्योंकि मैं उत्थे ना माई पागो निवास टेंट बनाए ने 1200 तो उत्ते लेडीज़ के रहन बसेरा किया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ इस चैनल के माध्यम के नाल इतने स्टेज के उत्ते, मैं कहना चाहनी हाँ भी जिहड़ा भी टिकरी बॉर्डर से जिहड़ियां बीबियां बजुर्ग उत्थे आउंदे ने, है ना, भी वो नवा बस स्टैंड के असीं टेंट्स लाए ने, उत्थे सारे तरह दीआं फैसिलिटीज़ रखियां ने बीबियां वास्ते, भावें बाथरूम्स ने, कंबल ने, गद्दे ने, इलैक्ट्रिसिटी एवरीथिंग, है ना, सारा कुछ हैगा आ। और एक मैं होर बेनती करना चाहनी हाँ भी अज जिवें सुप्रीम कोर्ट वालों आया है स्टे वास्ते, और मैं यही अपील करना चाहनी हाँ इतने खलो के कि सुप्रीम कोर्ट नूं भी कि असी इत्थे अपने बिलों के उत्ते स्टे करवाउण वास्ते नहीं बैठे, जां फिर असी 80 तो उत्ते साडे बजुर्ग इस अंदोलन दे विच अपनी जान दे चुके ने, शहीद हो चुके ने, असी इत्थे रोक लगाउण वास्ते नहीं बैठे हुए, ठंड दे विच असी अपने बिलों नूं रद्द करवाउण वास्ते आए हाँ, और असी किसी भी तरीके की इस गल नूं नहीं मन्नांगे। और मैं यही बेनती करदी हाँ सारिआं नूं कि असी जदों तक साडे बिल रद्द नहीं हुंदे असी इत्थों नहीं हिलांगे, ना ही नहीं ही जावांगे, क्योंकि अज दा जिहड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट दा स्पैशल कमेटी बनाउण दा, इह सारिआं गल्लां जो भी हो रहीआं ने, असी बट जदों इह साडा अंदोलन बहुत मुश्किल दे नाल इत्थों तक असी बहुत मेहनत करके इत्थे पहुंचे हाँ और इकट्ठे होए हाँ, सो साडे शहीदां नूं असी अपनी शहीदियां व्यर्थ नहीं जाण देवांगे, असी इत्थे ही बने रहांगे जो तक साडे बिल वापस नहीं होंगे। और मैं कुछ गल्लां कहना चाहनी हाँ कि जिहड़ियां मैं डिटेल दे विच स्टडी कीतियां सीगियां अंबानीस दे विच ते अंबानीस ते अंडानीस वास्ते, जो कि सानू सारिआं नूं साडे यूथ दे जिन्ने भी इत्थे मुंडे कुड़ियां आ, है ना, जिन्हां नूं सारिआं नूं पता होना चाहीदा आ, जिहड़ा रिलायंस आ उहनां दा कल्ला बिजनेस जिहड़ा डीजल दा ते पेट्रोल दा सीगा 160 बिलियन डॉलर्स उहनां दा इत्थों दा बिजनेस आ, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड आउण वाले टाइम दे उत्ते पिछे जे एक पैरिस दे विच 160 कंट्रीज ने एक साइन कीता सीगा एग्रीमेंट, जिहदे विच उहनां ने कहा सीगा कि आउण वाले 20-30 सालां दे विच असीं ऑयल ते डीजल नूं अवॉइड करांगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग करके असीं ऑयल डीजल दीआं जिन्नीआं इंडस्ट्रीज आ उहनां नूं बायकॉट करांगे। इस करके रिलायंस ने 2019 दे विच जियो स्पैक्ट्रम लॉन्च किया, जिहदे थले उहने दो चीज़ां लॉन्च कीतियां सीगियां, एक जियो इंटरनेट फोन जिहड़ा असीं यूज करदे हां, और दूजा कीता सीगा जियो रिटेलर। जियो रिटेलर दे थले रिलायंस ने अपनी फूड वास्ते इह जिहड़ा प्रोसैस कीता, जिहड़ा जिहड़े बिल काले कानून की जिहदी आपां गल करदे हां, इह उहनां दे अकॉर्डिंगली पास कीते गए ने, जिहदे विच उहनां ने अंडानिया दे नाल अपना पार्टनरशिप की सी कि जमाखोरी का एक्ट वह जमाखोरी करेंगे तो वह बेचणगे। आने वाले 20 सालों के जिमें कि उन्होंने पेट्रोल का डीजल का काम खत्म होना सीगा, इस करके उन्होंने पूरे इंडिया का जिनी फूड तो क्लोथ्स का जिन्ना काम आ सारा अपने थले लैन की गल की, इस करके उन्होंने ये बिल पास करवाए है। सो मैं ये कहना चाहनी हाँ भी ये कल्ली किसानों की लड़ाई नहीं गी, ये हर एक उस दुकानदार की लड़ाई है, ये सर करियाने वाले दुकानदार की भी लड़ाई है, क्योंकि आने वाले टाइम पर उन्होंने साड़िया दुकाना बंद कर देनिया ने, साडे कपड़िया के स्टोर बंद कर देने ने, जिमें इंटरनेशनली तुम जानते हो मॉल्स होंगे ने, बहुत सारे कपड़िया के स्टोर जो वे जिमें जारा आ वो सारे अंबानीज के थले आते हैं। इन्हों की यही बहुत वीड्डी गेम आ, क्योंकि उन्होंने पता है कि फूड के बहुत ज़्यादा पैसा आ, सो जिन्हें भी साड़ी किसान ज जथेबंदियां लड़ रही ने साडे हकों वास्ते लड़ रही ने, सानू हमेशा उन्हां दा साथ देना चाहिए आ, और कल्ला किसानां नूं नहीं अगे वध के आना चाहिए, सारे नूं आना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया। मैं कहनी भी दिल्ली दे विच भी बहुत घट अवेयरनैस आ इस टाइम के उत्ते, लोगों को लगता सिर्फ किसान बैठे है, और कुछ जो मोदी मीडिया जो गलत दिखा रहा है वह नहीं, उन्होंने गलों पर विश्वास नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहिए। और मैं लास्ट एक गल कहनी चाहनी हाँ भी 26 तरीक नूं असीं जा रहे हैं, है ना, तो मैं चाहनी हाँ भी डिसिप्लिन मेनटेन्ड होवे, जो कि सानू किसान जथेबंदियां वालों भी कहा गया आ, सानू सारिआं नूं उन्हां दे अकॉर्डिंगली जो जिस तरीके दे नाल सानू उह कहणगे सानू उस तरीके नाल चलना चाहिए आ। लास्ट दे विच बस मैं नारा लाऊंगी, हाँ सवेरे 11 बजे बब्बू मान जी आउणगे, तुसीं सारिआं ने इत्थे आउणा आ, होर किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।